गणेश उत्सव पूरे भारतवर्ष में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी से प्रारंभ होकर यह उत्सव अनंत चतुर्दशी तक गणेश की प्रतिमा के विसर्जन के साथ समाप्त किया जाता है। तो गणपति विसर्जन क्यों किया जाता है, इसका कारण हम इस वीडियो में जानेंगे। गणेश चतुर्थी को मनाने वाले सभी श्रद्धालु इस दिन स्थापित की गई गणपति जी की प्रतिमा को 11वें दिन अनंत चतुर्दशी पर विसर्जित करते हैं और इस प्रकार गणेश उत्सव का समापन किया जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब वेद व्यास जी ने महाभारत की कथा 10 दिनों तक गणेश जी को सुनाई थी तब उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए थे और जब 10 दिन बाद आंखें खोली तो पाया कि गणेश जी का तापमान बहुत अधिक हो गया था। फिर उसी समय वेद व्यास जी ने गणेश जी को निकट स्थित एक कुंड में स्नान करवाया जिससे उनके शरीर का तापमान कम हुआ। इसलिए गणपति स्थापना के अगले 10 दिन तक गणेश जी की पूजा की जाती है और फिर 11वें दिन जल में गणेश जी की प्रतिमा को विसर्जित किया जाता है। गणेश विसर्जन इस बात का भी प्रतीक है कि यह शरीर मिट्टी से बना है और अंत में मिट्टी में ही मिल जाना है। अब जानते हैं कि गणेश उत्सव कब से मनाया जाता है। यह उत्सव वैसे तो कई सौ वर्षों से मनाया जा रहा है लेकिन सन 1893 से पूर्व यह केवल घरों तक ही सीमित था। उस समय सामूहिक उत्सव नहीं मनाया जाता था और ना ही बड़े पैमाने पर पांडालों में इसका आयोजन किया जाता था। सन 1893 में श्री बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों को एकजुट करने के लिए एक बड़े स्तर पर इस उत्सव का आयोजन किया जिसमें हजारों लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस प्रकार धीरे धीरे पूरे राष्ट्र में गणेश चतुर्थी मनाया जाने लगा। बाल गंगाधर तिलक ने यह आयोजन महाराष्ट्र में किया था, इस कारण महाराष्ट्र में यह पर्व अत्यधिक धूमधाम से मनाया जाता है। तिलक उस समय स्वराज के लिए संघर्ष कर रहे थे और उन्हें एक ऐसा मंच चाहिए था जिसके माध्यम से उनकी आवाज अधिक से अधिक भारतीयों तक पहुंचे और तब उन्होंने गणपति उत्सव का चयन किया और इसे एक भव्य रूप दिया जिसकी छवि आज भी महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। दोस्तों, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। यदि आपको भी इस पर्व के विषय में कोई जानकारी है तो कृपया कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगली बार फिर मिलते हैं। जय गणपति।